क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर मैं कितनी बार रिवाइज करूं, सर मैं कितनी बार प्रैक्टिस करूं, तो इसका आंसर आपको पता है, बस आपको मेरे मुझसे सुनना है. सो लेट मी गिव यू वेरी फैंसी नेम टू दैट, सो दैट इट स्टिक्स टू योर माइंड. विजडम तो वही पुरानी गुड ओल्ड विजडम, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाहे वहां रहे. सेकेंड क्लास में पढ़ा था ना, बट उसको एक नया नाम देके, एक नई पैकेजिंग देके प्रेजेंट करते हैं. सो देयर इज वन वेरी फेमस मोटिवेशनल स्पीकर, मिस्टर जिम रोन. सो ही गेव दिस फॉर्मूला, द अंटिल फॉर्मूला. अंटिल का मतलब क्या होता है? जब तक. तो आपको कब तक कोई चीज प्रैक्टिस करनी है? जब तक वो चीज में आप परफेक्ट ना हो जाओ, दैट्स इट. अब इसको फ्लैशी सा नेम दे दिया तो ये याद है, बट क्या है, आपने बचपन में नहीं किया. आपने तब तक लिखना चालू रखा जब तक आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं हुई. आपने तब तक बोलना चालू रखा जब तक आप अच्छा बोलना नहीं शुरू कर दिए. राइट? सो द अंटिल फॉर्मूला सिंपली टेल्स मी यू नीड टू प्रैक्टिस एनीथिंग टिल द टाइम यू डोंट बिकम गुड एट इट. वंस आई वॉज लिसनिंग टू वन इंटरव्यू ऑफ मिस्टर ऋतिक रोशन. ही हैज नथिंग टू डू विद स्टडीज, बट वाई आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस डिस्कशन. उनसे पूछा गया, ही इज वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स इन इंडिया, राइट? उनसे पूछा गया, सर आप कितनी बार प्रैक्टिस करते हो एक स्टेप की? तो उनका आंसर था, जब तक वो स्टेप पक्का ना हो जाए. दो बार में पक्का हो जाए तो दो बार, 200 बार में पक्का हो तो 200 बार.